मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज़, आज है संडे और अभी सुबह के बजे 8:15। और अभी आज तो वैसे जिम नहीं, कल रात को मैं जिम गया था और बस फिर थकान हो गई थी तो अच्छे से सो गया था। और अभी जस्ट उठा हूँ और अभी सोच रहा हूँ कि मैक्स को नीचे वॉक करवा के आओ। ये रहा मैक्स। मैक्स बहुत ही एक्साइटेड है, तो चलिए इसको वॉक करवा के आते हैं। तो गाइस, घर से मैं निकल गया हूँ जस्ट, और पेट्रोल पंप में आया तो देखा तो वॉलेट ही भूल गया था। खैर, वह डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे गूगल पे, जो मतलब ये गवर्नमेंट का कोई ऐप है, उसमें मेरा सब डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेट्रोल और डीजल भरवाना था तो उसके लिए गूगल पे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलते हैं विक्टोरिया, वहाँ जाके थोड़ा रनिंग वगैरह करूँगा और फिर वहाँ जाके आपसे मिलता हूँ। बाय। तो गाइस, मैं आ गया हूँ विक्टोरिया, और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि विक्टोरिया मोस्टली संडे को फुल रहता है, तो अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कैसी खतरनाक भीड़ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर मैं रनिंग करता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं आप, उधर भी लोग खेल रहे हैं और इधर भी देखिए पूरा फुल। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फुल एकदम। तो साइड साइड में भी मैं रनिंग कर लूंगा और फिर निकलेंगे। One eternity later. तो गाइस, रनिंग कर लिया 15-20 मिनट्स, पूरा विक्टोरिया ग्राउंड का एक चक्कर काट लिया। बहुत ही लंबा चक्कर था, आई थिंक 1.5-2 किलोमीटर का होगा। और अभी अनहेल्दी कुछ खाना नहीं है, ये सोच के नहीं भागा हो कि बाद में कुछ खाऊंगा, पर अभी नींबू पानी पी लेते और फिर निकलते घर। सोनू का कॉल आया था कि इडली डोसा कुछ लेके आना, तो लेके जाएंगे। चलिए फिर कार में मिलता हूँ। तो गाइस, जब मैं रनिंग स्टार्ट करा था तब मैंने देखा था नींबू पानी वाले भैया अपना कवर वगैरह, वो जो होता है नींबू पानी वाले का, वो खोल रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद जाऊँगा जब तक, तो खोल देंगे। और अभी जाके देखा तो अभी वो बैठे ही है पास में, बस वापस बंद कर दिया। जितना खोला था उससे भी ज़्यादा बंद कर दिया है, पता नहीं। तो अभी घर पर जाके, घर के बिल्डिंग के पास जाके कुछ फ्रेश जूस वगैरह पियेंगे ऑरेंज का। चलिए। तो गाइस, सामने इधर जो ब्लू बोर्ड दिख रही है, ये एलियट पार्क है। इसके सामने कार की पार्किंग अवेलेबल होती है। देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ये येलो कलर का पट्टा बना हुआ है, यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं। और आगे जो ब्लू कलर के जो स्टॉपर जो भी बोल सकते हैं, इसके आगे फुल बाइक की पार्किंग है। और यहाँ पे साइड पे भी रोड के एकदम साइड में सिंगल सिंगल कार ऐसे लाइन से पार्क कर सकते हैं एकदम आगे तक, विक्टोरिया ग्राउंड तक। तो अच्छा सिस्टम है। तो अभी चलिए निकलते हैं। गाइस, मम्मी पापा की फ्लाइट आज लैंड हो रही है 2:15 बजे, मतलब मम्मी पापा आ रहे हैं कलकत्ता। और मैं सोचा था कि उनको लेने जाऊँ, और मम्मी का भी कॉल आया कि भाई लेने मत आना, हम उबर करके आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सामान भी नहीं है और सामान रहता तो फिर मैं लेने जाता। मैंने बोला कि मैं नहीं आ जाऊँगा लेने, तो बोले नहीं नहीं मत आना, उबर करके आ जाएंगे। और कार भी वॉश करवानी है, तो भी घर के 1/2 किलोमीटर दूर ही कार वॉश का है, जहाँ पे मैं हमेशा बाइक वगैरह करवाता हूँ। दो जगह है, एक बाइक करवाता हूँ नई जगह पे, वो बाइक विलेज करके, पर वहाँ पे नहीं करवाऊंगा कार को, थोड़ा आगे करवाऊंगा क्योंकि वहाँ पे शायद बाइक ही करते हैं। और वॉश करवा के फिर वॉक करते करते मैं चला जाऊँगा घर, और नाश्ता वगैरह लेके जाऊँगा सोनू के लिए और मेरे लिए। तो चलिए जाके मिलते हैं घर के पास में। A few moments later. तो गाइस, जूस वगैरह पी के मैं आ गया हूँ घर, और ये रहा अपना प्लेन डोसा। और मैंने भैया को बोला था कम तेल डालना एकदम, उन्होंने बोला बिना तेल का बना, तो मैंने बोला चलो और बढ़िया। तो बिना तेल का अपना मसाला डोसा, 2 पीस इडली और ऑरेंज चटनी, ग्रीन चटनी, नारियल चटनी और सांभर है वहाँ पे। और सोनू के लिए भी वड़ा और इडली, और मैक्सू के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पहले हैंडशेक करो। गुड बाय। तो गाइस, मैंने कर लिया है बात, और थोड़ी देर मतलब आके खाया ब्रेकफास्ट। मैंने आपको दिखाया कि ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ी देर बैठा था, व्लॉग्स वगैरह देखे टीवी में, उसके बाद मैंने बात किया और बस अभी फ्रेश हो गया हूँ। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट अभी क्या करना है आगे। गाइस, कार जो मैंने वॉश में दी थी वॉश हो गई, उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था, पर मैं थोड़ा लेट ही गया, पता था कि थोड़ा लेट जाने से अच्छा, वरना फिर वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। तो वॉश करवा दी और पार्किंग में पार्क भी कर दी। और अभी सोच रहा हूँ कि मैं अपने दार्जिलिंग ट्रिप से जो चाय पत्ती लेके आया था, दार्जिलिंग फेमस, वो भी बनाऊँ। वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ पूरे लाइफ में, 25 ईयर्स में कम से कम मैक्सिमम मैंने पिया होगा तो 2 बार। और इस बार दार्जिलिंग ट्रिप गए तब मैंने कंटिन्यूसली 2 दिन पिया था, तो सोच रहा आज बनाऊँ और देखते कि कैसी टेस्ट आती है। और फिर वही सोच रहा हूँ बना के थोड़ा सा पीऊँ। और वैसे मुझे आदत नहीं है टी वगैरह पीने की, मैक्सिमम कॉफ़ी भी, मैं कॉफ़ी पर्सन हूँ, कॉफ़ी भी महीने में कम से कम एक बार कभी हो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं। तो टी तो नहीं पीऊँगा, बस कल एक बार सोच रहा हूँ कि बना।
तो गाइस चाय तो मैंने बना ली है और अभी इसको टेस्ट करके मैं देखता हूँ कि कैसी है। वो दार्जिलिंग जो टेस्ट आया था वैसी है या नहीं, मतलब टी लीव्स तो वहाँ की है तो देखते हैं अभी। तो गाइस जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैं दार्जिलिंग से जो टी लेके आया था वो मैं टेस्ट कर रहा था, तो मैंने टेस्ट किया और अभी सोनू ने बनाया है दाल फ्राई, और दाल फ्राई टेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा बनाती है। तो अभी खाते और थोड़ी देर बाद में मम्मी पापा आएंगे तो मैक्स बहुत ही खुश होगा। मैक्स अभी सोया वहाँ पे, तो चलिए खाते हैं। A few moments later. मैक्स मम्मी आई। मैक्स जो बना है। तो गाइज ये है मेरे वेडिंग की एल्बम जो कि मेरे वेडिंग के 10 दिन बाद ही मुझे मिल गई थी। बहुत फास्ट काम था, जो भी हमारे स्टूडियो वाले थे भगवती स्टूडियो वाले, और 3 एल्बम करके दिए। ये वाली फर्स्ट है और वो सेकंड है और वो वाली थर्ड है। तो बहुत ही शानदार, और सबके साथ एक एक कैलेंडर भी मिला है, और सबके जो फोटो जो कवर फोटो है वो भी अलग अलग है। और अभी बहुत लंबी एल्बम है पर देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज लिए और एकदम क्वालिटी की है, एकदम बढ़िया काम, एकदम एम्बोस वगैरह एकदम। तो गाइस ये थी मेरी हल्दी की ड्रेस और वन ऑफ माय फेवरेट फोटोज ये वाला, और पीछे एक बार आएगा ब्लैक ड्रेस में वो मैं दिखाऊंगा। तो गाइस ये फोटो की मैं बात कर रहा था। The next day. क्या है?